हर महादेव क्यों कहते हैं, क्योंकि हर हर इंसान में महादेव की पोटेंशियल है। तो अगर शिव जी ने अपने कर्मों से, अपने सोच से, अपने एक्शन से वो स्टेटस अचीव किया है ऑफ अ गॉड, तो एक नॉर्मल इंसान भी कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपने एक्शंस के साथ। अपने गदर की बात कर दी है तो अमीषा पटेल इस फिल्म में फिर से हैं, मैसिव सक्सेस है आपकी, उनसे बात हुई तो उनका क्या रिएक्शन है? Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. MP Live News में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह, और आज मेरे साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में जुड़ रहे हैं मशहूर बॉलीवुड एक्टर अस्मित पटेल। अस्मित पटेल राज मर्डर जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखा चुके हैं। तो अस्मित, आपका बहुत बहुत स्वागत है MP Live News में। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल आपसे, लास्ट फिल्म 2018 में निर्दोष, और उसके बाद आप वेब सीरीज कर रहे हैं, काफी काम आप अभी भी कर रहे हैं, बट अंतिम फीचर फिल्म जो लोगों को याद है, जो स्क्रीन पे रिलीज हुई और उसके बाद एकदम से आप कहीं डिसअपीयर हो गए? देखिए, बीच में तो 2 साल वैसे ही निकल गए कोविड की वजह से। सो 2018 में लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी, फिर 19-20 में कोविड हो गई, तो 21-22 तो वैसे ही निकल गए। 2 फिल्में रेडी, अब देखते हैं कब रिलीज होते हैं। आशा करता हूँ कि इसी साल के अंदर रिलीज हो जाए। अभी आप म्यूजिक की दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, डीजेइंग कर रहे हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हो गए हैं जी। तो एज एन एक्टर जब आप काम कर रहे थे, ऑलरेडी आप बहुत सक्सेसफुल एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, टीवी शोज कर चुके हैं, एकदम से वहां से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? एकदम से नहीं हुआ एक्चुअली, मुझे बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था, और एक सपना था जब मैं टीनेजर था कि मैं एक दिन डीजेइंग करूंगा जी। 2014 में जब जय हो रिलीज हुई, उसके बाद मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाऊंगा, और मैंने कहा मैं पेशेंटली रुकूंगा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए। लेकिन उस बीच में थोड़ा सा इम्पेशेंस होने लगा कि कुछ करना है, घर पे बैठे बोर हो रहा था, तो मेरी जो क्रिएटिव एनर्जी है मुझे किसी चीज के अंदर डालनी थी, और मैंने डीजेइंग सीख ली। और डीजेइंग कहाँ से सीखी आपने? मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया। इंडिया में घर पे एक छोटा सा कॉन्सोल लिया स्टार्टर लेवल, और एक दिन के अंदर सीख लिया। तो अभी आपको लगता है कि डीजेइंग की वजह से आपका एक्टिंग पे से फोकस कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं, या वहां मैं 2014 से कर रहा हूँ, और मैं कंपार्टमेंटलाइज करता हूँ। अगर कोई फिल्म के बीच शूट के बीच में हूँ या वेब सीरीज के शूट के बीच में हूँ, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई गिग लूँ। शूट खत्म होने के बाद फिर वो जो भी गिग्स आते हैं वो पोस्टपोन कर देते हैं और शूट के बाद रखता हूँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी शूट इतना हेक्टिक ना हो, बीच में 2-4 दिन मिल जाए मुझे गैप, तो वीकेंड पे मैं डीजेइंग कर लेता हूँ। बिग बॉस लगता है आपके करियर का टर्निंग पॉइंट था? एक अच्छा एक्सपोजर मिला बिग बॉस के जरिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि टर्निंग पॉइंट था। अच्छा एक्सपीरियंस था, बट आई डोंट थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट है। जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया था आपका करियर, मतलब मर्डर, राज, आवारा पागल दीवाना, सारी सुपरहिट फिल्में, और उसके बाद जहां आज आप अपने आप को देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल अनयूज्ड रहा या अभी भी आपका बेस्ट आना बाकी है? बेस्ट आना बाकी है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि मेरी जो स्किल सेट है बढ़ते जा रही है, इम्प्रूव होते जा रही है। अब जो पहले जो एक प्रेशर रहता था कि फ्राइडे के दिन पता नहीं क्या होगा, फिल्म रिलीज होगी, हिट होगी, फ्लॉप होगी, वो सब प्रेशर उतर गया है, क्योंकि जो ये वेब सीरीज का दौर आया OTT के वजह से, उसमें इतना प्रेशर नहीं रहता। तो आई थिंक वो प्रेशर ना होने की वजह से मेरी परफॉर्मेंस बेटर होने लगी आई थिंक, और विद एज मैच्योरिटी, ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस इवॉल्व, इंसान इवॉल्व होता है, उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस इवॉल्व होते हैं। तो आई थिंक एज अ एक्टर आई हैव इवॉल्वड एज वेल अलोंग विद एज अ पर्सन। तो एक व्यक्ति के नाते भी आप इवॉल्व हो रहे हैं एज एन एक्टर भी, अब इसी पे हम बात करते हैं।
आप ईश्वर को मानते हैं? देखिए, हर एक का डेफिनेशन जो है ईश्वर का अलग होता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं फॉलो करता हूँ। हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ और जो बेसिक मैसेज है हर रिलीजन का सेम ही रहता है। आई बिलीव इन डूइंग गुड कर्मा, इंसानियत, और आई थिंक कि पूरी दुनिया, नेचर, इंसान, जानवर, सब ईश्वर का एक हिस्सा है। और जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जो माना जाता है, हर हर महादेव क्यों कहते हैं, क्योंकि हर हर इंसान में महादेव की पोटेंशियल है। तो अगर शिव जी ने अपने कर्मों से, अपने सोच से, अपने एक्शन से वो स्टेटस अचीव किया है ऑफ अ गॉड, तो एक नॉर्मल इंसान भी कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपने एक्शंस के साथ। आपने कर्मा की बात करी, गुड कर्मा, तो कार्मिक चक्र में आप बिलीव करते हैं जैसा आप करेंगे वैसा होगा? बिल्कुल, 100%। डेस्टिनी में मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक आपकी एक डेस्टिनी प्री प्लान्ड होती है, लेकिन आप, क्योंकि इंसानों में सिर्फ इंसान एक ऐसा जानवर है जिसमें फ्री विल, थॉट एक जैसी चीज है जिसमें आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते, तो आई थिंक द एंड जो डेस्टिनेशन है वही रहती है हर एक की, लेकिन जो पाथ आप चूज करते हैं, या तो आप टेढ़ा मुड़ के लंबा या एक सीधा पाथ चूज कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप वो कौन से जर्नी पे जाना चाहते हैं, वो आपके डिसीजन। जो पाथ आप चूज करते हैं वो आप डेस्टिनी का हिस्सा नहीं मानते, वो पाथ नहीं, क्योंकि वो फ्री विल है, वो चॉइस है, वो आपकी चॉइस जी। लक को आप मानते हैं? लक डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगेन जो इंसान अवेयर होता है, जो इंसान वो लक को पहचान जाता है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, या तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या मैं डर के मारे बोल सकता हूँ नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। तो आई थिंक एक हद तक हम अपना लक बनाते भी हैं गुड कर्मास से, विद अवेयरनेस कि ये देखो एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है अभी मुझे ले, ये जैसे डीजे का मान लो, इजी नहीं होता क्राउड के सामने प्ले करना, उनको क्या पसंद आएगा, कौन से गाने पसंद आएंगे, कौन सा जॉनर पसंद आएगा, वो आपको रिस्पांस मिलेगा या नहीं। अभी भोपाल में पहली बार आया हूँ, यहाँ के क्राउड का मुझे कुछ पता नहीं है जी, तो बट शहर में जगह जगह आपके होर्डिंग लगे हुए हैं। अच्छा, आज की शाम आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। थैंक यू। और यहाँ के लोगों की भी होपफुली, यस डेफिनेटली, मैं प्रे करता हूँ कि अच्छा जाए, मैंने बहुत तैयारी करी है, बट वो डर रहता है कि पहली बार आया हूँ, पता नहीं, अननोन क्राउड है, अननोन जगह है, कैसे होगा, या तो मैं कह सकता हूँ नहीं, मुझे नहीं करना है, भोपाल कौन जाएगा, या मैं कह सकता हूँ नहीं, मुझे भोपाल जाना है, मुझे वहां पे प्ले करना है, मुझे महसूस करना है कि वहां के क्या वाइब्स हैं, लोग कैसे हैं, तो आपके ऊपर है, चॉइस है मेरे पास, या मैं ये गिग उठाऊं ना उठाऊं। आप एयरपोर्ट से यहाँ तक आए होंगे, क्लब ओबेलो में हम बैठे हैं, यहाँ पे बड़ा फेमस क्लब है भोपाल का, और रास्ते में आपने भोपाल का लुफ्त लिया होगा, यहाँ की हरियाली का, यहाँ पे झील भी है जो बहुत मशहूर है, कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं काफी साल पहले आया था, कुछ 10-12 साल पहले, और इतना याद नहीं था, क्योंकि एक सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच के लिए आए थे हम जी, तो आई थिंक वो मैच की प्रिपरेशन में और मैच के दिन एक दिन पहले आए थे, उस दिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और अगले दिन मैच था, और फिर उसके अगले दिन हम निकल गए, तो ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं पिछली बार, लेकिन इस बार मैंने कल की फ्लाइट रात की रखी है। अच्छा, और कल मैं घूमना चाहूंगा जी, ये लेक्स पे जाके थोड़ी सी बोटिंग वगैरह करना चाहूंगा मैं, नेचर, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं मानता हूँ कि नेचर इज गॉड, तो मैं नेचर से बहुत कनेक्टेड हूँ और नेचर में वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेचर को आपने गॉड कहा, हम महादेव की भी जब उपासना करते हैं, आपने महादेव का नाम लिया, तो उनको भी नेचर से जोड़ा जाता है, शीतल जल, एक ठंडा पानी और बेलपत्र वगैरह, एनवायरमेंट से जोड़ा जाता है। नेचर के लिए आप कुछ अलग से कुछ करते हैं, आपका कुछ मन होता है, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी है, लोग आपको फॉलो करते हैं? जी हाँ, मैं मानता हूँ कि देखिए, एक तो सेलिब्रिटी की एक पावर होती है कि वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो वो तो मैं करता ही हूँ अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन आई थिंक कि एक वॉकिंग द टॉक, आप जितना भी बोलो, अगर आप वो चीज स्वयं नहीं करते हैं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो अभी इंडिपेंडेंस डे पे मैंने एक संस्था है,
मैंग्रोव सोल्जर्स और मैंग्रोव वॉरियर्स, उनके साथ मैंने एक नवी मुंबई में एक जगह है, मैंग्रोव क्लीन किए थे, मैंने वहां पे जाके मैंग्रोव क्लीन किए। हाँ, कुछ 800 किलो मैंग्रोव जी हटाया उस दिन। हाँ, वो मैंने कहीं पेपर में वो आर्टिकल भी पढ़ा था, आपके फोटोग्राफ भी आए थे उसमें। उसके बाद फिर और कुछ? ये मैं रेगुलरली उनके साथ अभी करूंगा, और मैं जैसे यहाँ पे मुझे प्यास लगी थी, पानी पिला रहे थे, मैंने कहा नहीं प्लास्टिक से मैं नहीं पीऊंगा, मुझे आरो पानी दे दो। अच्छा। और प्लास्टिक कभी यूज नहीं करता हूँ, फ्लाइट में हमेशा अपना पानी लेकर जाता हूँ, शूट पे फ्लाइट पे अपना घर का पानी लेकर जाता हूँ, क्योंकि दो चीजें, दो वजह है। एक तो प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, प्लास्टिक आपको पता है कैसे डिस्पोज होता है, ज्यादा रिसाइकल होता नहीं है जी, बहुत ही हानिकारक होता है एनवायरनमेंट के लिए। जो हमारे ओशंस में प्लास्टिक भरा हुआ है वो इवेंचुअली हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, जो लोग फिश खाते हैं उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स है। करेक्ट। जो पानी हम पीते हैं प्लास्टिक बॉटल से या जो भी, उसके अंदर भी वो माइक्रो प्लास्टिक्स घुस जाता है। तो वो पानी जो हम सोचते हैं कि क्लीन वाटर है, मिनरल वाटर है, अच्छा है हमारे लिए, एक्चुअली उल्टा है, हानिकारक है। प्लास्टिक बॉटल्स हानिकारक है, ऐसा आपका कहना है? तो शो आता है छोटी छोटी चीजें जो मैं अपने जिंदगी में, अपने निजी जिंदगी में मैं अपनाता हूँ, और होपफुली मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मुझे देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मेरी जो टीम है उनको काफी इंस्पिरेशन मिलती है इंस्पिरेशन मुझे देना पड़ता है तो वो भी धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी आदतें चेंज की है। आपने प्लास्टिक पे एक बात करी, तो एक शो आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर गिल्स का डिस्कवरी पे, काफी मशहूर शो है, उसमें वो दुनिया की बड़ी एकांत जगहों पर जाते हैं, और उनका ये कहना है कि अभी शायद ही वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे प्लास्टिक ना पहुंचता हो, चाहे वो कितना भी दूर कोई सुदूर आयरलैंड हो, वहां पे भी कुछ ना कुछ प्लास्टिक का मिल जाता है। इतना प्लास्टिक हम अपने वर्ल्ड में स्प्रेड कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज था आपकी तरफ से। एक और सवाल, आपने वाइब्रेशंस की बात करी थी, गुड वाइब्स की, कि मुझे वाइब्स फील करनी है लोगों की, तो वाइब्रेशन जो आपको लगता है कि हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, वो हमें फील होती है? बिल्कुल। देखिए, जब इंसान गुस्सा होता है तो आप जो वाइब्रेशन है आप नेगेटिव समझ सकते हैं, आपको खुद को आपको लगेगा कि कुछ गुस्सा होने के बाद, किसी पे चलाने के बाद आपको अजीब सा लगता है, बॉडी लगता है जी, ड्रेन हो जाती है बॉडी आपकी, आपका आपकी मानसिक संतुलन थोड़ी सी हिल जाती है। मेरे साथ ऐसा होता है, और कभी कभार ऐसे भी होता है जब आप किसी से मिलते हो तो अच्छी वाइब मिलती है आपको, पता नहीं क्यों उस इंसान से लगाव, इमीडिएट वो एक कनेक्शन बन जाता है, या एक ऐसा लगता है कि नहीं यार इससे तो मैं दूर रहना चाहता हूँ। तो मैं उस चीज से बहुत ट्यून्ड हूँ, मुझे वाइब्स बहुत मतलब बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड कभी कभार मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन किसी को मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं उनकी वाइब्रेशन, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बुरा इंसान है या ऐसा कुछ, बट शायद वो कुछ सिचुएशन से कई बार तो वाइब्रेशन मैच नहीं होती, और वाइब्रेशन बुरा ना हो लेकिन हमारी वाइब्रेशन, वो कुछ ऐसा कुछ हुआ है उनके लाइफ में जिससे वो पूरे से हिले हुए हैं, या कुछ तकलीफ हो रही है उनको जी। तो मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। स्पिरिचुअल कोई पर्सनालिटी है जिनको आप सुनते हैं, फॉलो करते हैं, किसी का आप पे असर हुआ हो? बहुत सारे जैसे ओशो हैं, उनके टॉक्स बहुत सुनता हूँ, उनके आश्रम में गया हूँ पुणे में, सदगुरु जी है जी, उनके बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके साथ एक इंस्टाग्राम लाइव भी किया था एक बार, और सेफ सॉइल मूवमेंट जो है मैंने कोलंबस ओहायो अमेरिका में वहाँ पे प्रमोशन की उनकी, और हमारे होर्डिंग्स भी लगे थे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में सेफ सॉइल के, मेरे सदगुरु के जी। तो और भी ऐसे गुरुज हैं जो जो जिनकी मॉडर्न सोच है, लेकिन वो अपने पुराने ख्यालात को भी भूले नहीं, हमारी जो संस्कार है उनको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की दुनिया में कैसे हम पुरानी चीजें को अडेप्ट करके यूज कर सकते हैं, वैसे इंसानों को मैं फॉलो करूँ। एज एन एक्टर आपके मनपसंद कलाकार कौन है, आप किसको फॉलो करते हो? बहुत सारे हैं, अभी इस OTT के आने से इतना टैलेंट उभर के आ रहा है, हर रोज मैं कुछ अगर देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार इंडिया में इतना टैलेंट कहाँ था इतने साल, तो एक नाम लेना बहुत ही मुश्किल होगा, हर रोज एक नया टैलेंट उभर के आ रहा है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। एक वो स्टार सिस्टम जो था सिर्फ फिल्मों का, आप स्टार हो तो
मतलब आपको काम मिलेगा फिल्मों में, वो चीज अब नहीं है, वो चीज अभी नहीं है। स्क्रीन ओके, सिनेमा के लिए वो एक एक्स फैक्टर की जरूरत है, तो वहां पे वो हीरोइज्म स्टार वैल्यू होना जरूरी है, लेकिन आई थिंक ओटीटी में आपके अंदर कला होनी चाहिए, हुनर होनी चाहिए और कैरेक्टर होना चाहिए। तो वो एक गुड लुकिंग सिक्स पैक बॉडी लेके घूमना वो सब जरूरी नहीं है, इनफैक्ट उल्टा है ओटीटी में, मुझे लगता है कि ओटीटी में आप जितना नॉर्मल हो उतने आपके चांसेस ज्यादा। अभी साउथ इंडियन सिनेमा बहुत जबरदस्त कर रहा है, हमने देखा अभी कंतारा एक फिल्म आई थी, बहुत अच्छा किया उसने, लो बजट फिल्म था जी, और भी बहुत सारी फिल्में उनकी, और ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनका म्यूजिक भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसकी कोई खास वजह मानते हैं या इसको आप एक फेज मानते हैं? देखिए जो इमोशंस हैं यूनिवर्सल है, चाहे वो साउथ के फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, हॉलीवुड के फिल्म हो, लैंग्वेज रीजन जो देशों के जो बॉर्डर्स हैं कोई शुड बी अ बैरियर फॉर क्रिएटिविटी, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस जो है कॉमन है, चाहे आप इंडियन हो, अमेरिकन हो, काले हो, पीले हो, ब्राउन हो, मर्द हो, औरत हो, इमोशंस तो एक ही है जी। तो साउथ की जो फिल्में चली हैं शायद इस वजह से चली है कि वो इमोशंस जो है उन फिल्मों के वो कहीं पे टच कर गए। लेकिन हाल ही में हमारे बॉलीवुड के जो महारथी हैं शाहरुख खान, उनकी पठान ने बहुत जबरदस्त जी, जी जी गदर, हाँ गदर ने तो गदर मचा दी। हाँ तो अभी बॉलीवुड भी उभर के आ रहा है वापस, क्योंकि वो इमोशंस जो है कनेक्ट हो रही है। गदर 2 की जो कहानी है, जो इमोशंस है, इतने बेस इमोशंस है और इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है कि वो कनेक्ट कर गए हैं। तो अभी आई थिंक आज शायद वो 500 करोड़ क्रॉस कर जाए। तो आई थिंक ह्यूमन इमोशंस इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो इसकी सक्सेस की वजह से अभी एक डिक्लेरेशन में पढ़ रहा था कि बॉर्डर 2 भी बनने वाली है, मैंने पढ़ा। इनफैक्ट सनी पाजी ने बहुत अच्छी बात कही कि बॉर्डर 2 तो बीच में बनने वाली थी लेकिन फिर मेरी कुछ फिल्में नहीं चली तो वो बैक बर्नर पे चला गया जी। लेकिन अब बंगला भी नीलाम होने की खबरें चल रही थी गदर 2 के बाद, तो भी सिचुएशन बदली वो सब तो अब ऑडियंस चॉइस सवाल था, लेकिन आपने गदर की बात कर दी है तो अमीषा पटेल इस फिल्म में फिर से हैं, मैसिव सक्सेस है, आपकी उनसे बात हुई तो उनका क्या रिएक्शन है अभी? देखिए जाहिर सी बात है कि इतने सालों के बाद, एक 20 साल के बाद, 22 साल के बाद फ्रेंचाइज फिल्म आई है तो वो बहुत ही रिलेटेड है, और मैं बस चाहता हूँ कि अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले उनको और वो सेंसिबली चूज करें आगे की जो प्रोजेक्ट्स हैं और वापस टॉप पे आ जाए। उन्होंने बहुत बड़ी हिट फिल्में दी हुई, उनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी ऋतिक रोशन के साथ, फिर गदर जैसी इतना बड़ा सक्सेस, उसके बाद बीच में कुछ स्ट्रगलिंग फेस और अगेन उनकी वापसी जी। तो आपको लगता है कि अब वापस से दौर बदलेगा और बहुत अच्छा काम फिर से उनके पास आएगा? वो डिजर्व भी करती है, डिजर्व तो करती है क्योंकि एक्टर तो बहुत बेहतरीन है जी, तो दिखने में भी अच्छी हैं, डांस इतना बेहतरीन करती हैं, सारी चीजें। तो आई होप कि वो सेंसिबली अपने प्रोजेक्ट्स चूज करें और या डेफिनेटली आई थिंक एक बहुत बड़ा मौका है। कभी आपका उनसे कोई डिस्कशन, कभी आप एडवाइस लेते हैं एक दूसरे से, आप कभी लेते हैं या वो कभी आपसे? इतना कुछ प्रोफेशनली नहीं। एक और ऑडियंस चॉइस सवाल था, बिग बॉस में आप थे और आपके साथ वीना मलिक भी थी, अभी आप लोगों के बीच में बातचीत होती है, आप लोग फ्रेंड्स हैं क्या शो के बाद? और अक्सर उस शो को ये कहा जाता है, अनुज जलोटा भी आए थे, मैंने उनसे ही बात करी थी, करीब 1 घंटे का इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा वो एक फिल्म है उसको आप शो मत समझिए, तो क्या आप मानते हैं कि वैसे ही है जो दिखाया जाता है, एक्चुअली में वैसा होता नहीं? बिल्कुल वैसे ही है। देखिए मैंने तो 2010 में किया था चौथे सीजन में, हाँ, और आप फाइनल तक भी गए थे जी, बहुत पॉपुलर थे आप, जीत के बहुत करीब भी थे। मैंने जो घर के अंदर महसूस किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो शायद आज के डेट में चीजें चेंज हुई है, क्योंकि तब फिर भी एक थोड़ी सी प्योरिटी थी। लोगों को अभी पता चला है कि
या वो सोचते हैं कि जितना हम लोग लड़ाई झगड़े करेंगे उतना हमें फुटेज मिलेगा, तो वो जबरदस्ती कुछ चीजें करते हैं। और हाँ, जहां तक मुझे हमेशा ये सवाल हर किसी से आता है कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या सब रियल है, तो मेरे सीजन में तो सब रियल ही था। पता नहीं बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे कुछ कभी बोला नहीं गया था कि ऐसे करो वैसे करो, और अगर बोला भी गया होता तो मैं बिल्कुल जो मुझे करना था वो वही करता। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड या एक फिल्म जैसा है। हाँ डेफिनेटली वो जब कास्टिंग करते हैं शो का, तो वो ये मन में रख के चलते हैं कि एक दो दो चार बंदे हैं जो हीरो टाइप बन सकते हैं, दो चार हैं जो हीरोइन टाइप बन सकती हैं, दो चार हैं जो विलन टाइप बन सकते हैं, सपोर्टिंग एक्टर भी हो सकते हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स। तो वो उस आई थिंक कि उस तरीके से थोड़ी सी वो कास्टिंग करते होंगे जी। उनको ड्रामा चाहिए, और क्योंकि लोग वो ड्रामा ही पसंद, लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में कि क्या उसका रिजल्ट जो है वो ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है, बस ये सबसे बड़ा सवाल। मतलब क्या वोटिंग पे ही डिपेंडेंट है वो? कहते तो है कि है, बट जैसे कि आपको पता है कि जब बड़े बड़े देशों के इलेक्शंस को मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, तो फिर रियलिटी शोज तो हो ही सकते हैं, तो आप मतलब हो ही सकते हैं। आज एक अन्नू मलिक अभी एक जज कर रहे हैं शो सारे गामा, और उनका ये कहना है कि इसमें हम किसी भी कंटेस्टेंट का बैकग्राउंड ही नहीं दिखाएंगे, सिर्फ म्यूजिक के बेस पे जज करेंगे। इट मींस कि वो बैकग्राउंड भी अफेक्ट करता है लोगों को, वोटिंग अफेक्ट करता है डेफिनेटली। तो अस्मित आपसे बात हुई और इतना अच्छे आपने सारे आंसर्स दिए। ये पहला स्पिरिचुअल इंटरव्यू है जो हम क्लब में कर रहे हैं, क्लब ओबेलो में, और आप बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसा हमने आपको बिग बॉस में देखा था। उतनी अच्छी फिजिक है, उतनी अच्छी स्माइल है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी वाइब्रेशन में बैठ के, आप ही के रिप्लाइज में से मैं वाइब्रेशन वर्ड निकाल रहा हूँ। तो ऑडियंस ये थे स्पिरिचुअल इंटरव्यू मेरे साथ अस्मित पटेल, जो कि बहुत सारा काम कर रहे हैं। लोगों को एक गलत फहमी ये है कि 2018 के बाद इन्होंने काम नहीं किया, बहुत सारी वेब सीरीज इनके पास है, डीजेइंग कर रहे हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और आपने इनके सारे जवाब देख लिए स्पिरिचुअलिटी पे, एनवायरनमेंट पे, और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के नाते भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया। बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई शख्सियत के साथ, जब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential.